अपने दादाजी की तरह वो भी दिव्य दरबार लगाते हैं और विवादों का नाता जुड़ा इसी दिव्य दरबार से। महाराष्ट्र के एक अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने यह आरोप लगाया है कि दरबार के जरिए बागेश्वर धाम के बाबा अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। मामला पुलिस तक भी पहुंच गया। बाबा को धर्म कर्म अध्यात्म की विधा विरासत में मिली है, लेकिन क्या वो इस परंपरा को शिद्दत से निभाने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। एक बाबा जो अपने अनुयायियों के बीच कई रूपों में नजर आते हैं। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। धर्म कर्म और अध्यात्म मंचन वाला दरबार लगाते हैं। तो सब में राम देखो। क्या देखो? सब में राम देखो। ठेठ बुंदेलखंडी बोली और हाईटेक दरबार वाले बाबा, बाबा बागेश्वर धाम। सोशल मीडिया पर आपको इन बाबा के कई वीडियोस मिल जाएंगे। धर्म कर्म से लेकर सियासत सामाजिक हर मुद्दे पर बाबा बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और अपने बयानों से हलचल मचाते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा का हर बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। अनोखे अंदाज से जितना फेमस हुए उतना ही गहरा विवाद इनके साथ भी जुड़ने लगा, सवालों का अंबार भी लगा। क्या बागेश्वर धाम के बाबा दिव्य दरबार लगाते हैं? क्या चमत्कारी इलाज का दावा करते हैं? तंत्र मंत्र के नाम पर क्या है अंधविश्वास का सच? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कस्बों शहरों में जाकर श्री राम कथा के साथ अपना दरबार लगाते हैं। ऐसी एक श्री राम चरित्र चर्चा महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुई थी। दावा है कि दो दिन पहले ही यानी 11 जनवरी को ये कथा संपन्न हो गई, जबकि इसकी अंतिम तारीख 13 जनवरी थी। और इसके पीछे वजह नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को बताया जा रहा है, जिनका दावा है कि बाबा अपने दरबार में अंधविश्वास फैलाते हैं। समिति के अध्यक्ष श्याम मानो ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जो इल्जाम लगाए वो बेहद संगीन है कि देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण किया जा रहा है। महाराज अपने दिव्य दरबार में केवल कानून का उल्लंघन नहीं करते, वो ठगी करते हैं। ये जाहिर आरोप मैं कर रहा हूँ। सभी तरह के पोस्टर्स प्रसिद्ध हुए, उसमें 5 से 13 जनवरी तक का कार्यक्रम है। 13 जनवरी तक का कार्यक्रम हो रहा था, इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, उसका संयोजन करने के लिए बहुत बड़े खर्चे आते हैं। इतने बड़े खर्चे बर्बाद कर दो दिन पहले बाबा भाग गए यहाँ से, कोई दूसरा चारा नहीं था। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति बागेश्वर धाम के बाबा के खिलाफ मुखर है और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रही है। ये पहली बार है जब भक्तों के जमघट के बीच विवादों का साया भी बागेश्वर धाम के बाबा की चौखट तक पहुंचा। इल्जाम अंधविश्वास फैलाने का, इल्जाम धर्म कर्म के नाम पर जादू टोने से चमत्कारी इलाज करने का, और सबसे बड़ा इल्जाम ये कि बाबा फरेबी है। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का दावा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज दिया गया था कि आप देश के बीच दिव्य चमत्कारी दरबार लगाएं और ये सच बताएं, और सच बताने पर 30 लाख की धनराशि दी जाएगी। मगर खुद को घिरता देख नागपुर कार्यक्रम को छोड़कर बाबा भाग गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जब बागेश्वर धाम के बाबा ने अपना दरबार लगाया तो उन्होंने सफाई भी दी, विरोध का झंडा उठाए समिति को अधर्मी तक करार दे दिया। अब जब निकल आए तो हाँ की चले बाजार को, ये धर्म विरोधी लोग हैं। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं, और किसी को बनना हो तो वेलकम। बागेश्वर धाम के बाबा खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं, मगर उनकी भाषा कई बार शब्दों के मान मर्यादा के लक्ष्मण रेखा पार कर चुकी है। यही वजह है कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति अब खुलकर मैदान में उतर आया, आरोप लगाया के कानून के खौफ की वजह से अब बाबा चमत्कारी इलाज से किनारा करने लगे हैं। बाबा को उनके अनुयायी बागेश्वर धाम सरकार की उपाधि देते हैं। दरबार में रौनक अपरंपार और भक्तों का अगाध विश्वास कि बाबा ही बेड़ा पार लगाएंगे। सनातन मंच से बाबा खुलकर बोलते हैं, बुंदेलखंडी अंदाज में ताल ठोकते हैं, चाहे मुद्दा लव जिहाद का हो, पठान मूवी पर खौलते आक्रोश का हो, या फिर बुलडोजर वाला एक्शन,
रिएक्शन देने में बाबा पीछे नहीं रहते। ऐसा ही वाक्या इसी साल अप्रैल में हुआ, जब राम कथा मंच से बाबा भावनाओं में बह गए। आजकल दो दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया, कई जनों को मिर्ची लग रही है, हमने बुलडोजर कह दिया। बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगे लग रही, किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। धार्मिक कथाओं की आड़ में जादू टोने या यूं कहें अंधविश्वास को बढ़ावा देने के जो इल्जाम लगे, उसमें कितना सच और कितना फसाना है, ये तो जांच में साफ होगा। मगर जिस बाबा के दरबार में हर वक्त सैकड़ों भक्तों का तांता लगा रहता है, वही बाबा आज विवादों के सबसे बड़े भंवर जाल में है। टीम न्यूज़ नेशन।